डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन द लेक्चर ऑन मेटल थायो बीटा डाइकेटोनेट्स। तो प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है इस वीडियो लेक्चर में, जहां पर हम मेटल थायो बीटा डाइकेटोनेट्स के बारे में स्टडी करेंगे। और इससे पहले आपने देखा, हमने डिस्कस किए थे बीटा डाइकेटोनेट्स, यानी जो मेटल के जो बीटा डाइकेटोनेट्स थे उनको हमने स्टडी किया था। और यहां पर आप देखेंगे कि जो मेटल बीटा डाइकेटोनेट्स, जो बीटा कीटोन था, जो लिगेंड, वहां पर ऑक्सीजन को जब हम सल्फर ग्रुप से या थायो ग्रुप से रिप्लेस करते हैं तो हमें क्या मिलेंगे, थायो बीटा डाइकीटोन। और वो जब मेटल के साथ कॉम्प्लेक्स बनाते हैं तो उन्हें हम कहते हैं मेटल थायो बीटा डाइकीटोनेट्स। तो अगर हम इनको जनरल देखेंगे कि जो मेटल बीटा डाइकीटोनेट्स कैसे बनते हैं, तो क्यों जरूरत पड़ी इनकी, क्योंकि जो बीटा डाइकीटोन्स थे वो उनमें लैक ऑफ सेलेक्टिविटी थी किलेशन के लिए। तो जो किलेशन जब वो करते थे तो सिलेक्टिविटी की उसमें कमी थी, क्योंकि वो कई बार क्या होते थे, चार्ज स्पीसीज बना रहे थे और कई बार वो सॉल्वेटेड न्यूट्रल किलेट्स फॉर्म करते हैं, यानी जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल हैं वो बाइंड कर जाते हैं। और जो डाइकीटोनेट्स थे वो लेस वोलेटाइल थे और लेस सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट थे। तो उनकी सिलेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए सल्फर का यूज किया गया, और सल्फर को किलेटिंग रिंग में एक या दो ऑक्सीजन एटम से रिप्लेस किया गया, यानी या तो दो सल्फर आ गई डाइकीटोन्स में या फिर एक सल्फर आई। तो उस तरीके से आप देखेंगे कि जो कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होता था जो बीटा डाइकीटोन्स में, उनमें जो ऑक्सीजन प्रेजेंट थी उस ऑक्सीजन को सल्फर से रिप्लेस किया गया, जिससे कि जो बीटा डाइकीटोनेट्स हैं वो उनमें क्या आए, कुछ सेलेक्टिविटी, यानी बीटा डाइकीटोन जो लिगेंड है उसकी सेलेक्टिविटी में कुछ चेंज आए, इसलिए वहां पर सल्फर को इंट्रोड्यूस किया गया। तो जब सल्फर को इंट्रोड्यूस किया गया ऑक्सीजन एटम की जगह पर सल्फर से बीटा डाइकीटोन में, तो क्या बना सकते हैं, मोनोथायो बीटा डाइकीटोनेट्स बनाए जा सकते हैं, मतलब एक सल्फर ग्रुप ऐड किया जा सकता है जो कि क्या होता है, मोनोमेरिक होता है, एनहाइड्रस होता है और सॉल्युबल होता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। जबकि आपने देखा जो बीटा डाइकीटोनेट्स थे वो क्या थे, वो सॉल्वेटेड हो जाते थे, जनरली पॉलीमेरिक बनते थे और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में नहीं सॉल्युबल होते थे। जबकि अगर हम मोनोथायो बीटा डाइकीटोनेट्स की बात करेंगे तो वो मोनोमेरिक फॉर्म करते हैं, एनहाइड्रस होते हैं, यानी उनमें कोई सॉल्वेंट मॉलिक्यूल बाइंड नहीं होता है और वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं। तो इनकी प्रॉपर्टी जो है वो बीटा डाइकीटोनेट से डिफरेंट होगी। अगर आप सब्स्टिट्यूशन का ऑर्डर देखेंगे, ऑक्सीजन जो कार्बोनिल ग्रुप की जो ऑक्सीजन है वो सल्फर से कितनी आसानी से रिप्लेस होगी, ये डिपेंड करता है आर ग्रुप के ऊपर, जो कार्बोनिल ग्रुप के एडजेसेंट में जो आर ग्रुप है उस पर डिपेंड करेगा। तो अगर वो आर ग्रुप मिथाइल होगा तो बहुत आसानी से ऑक्सीजन रिप्लेस होगा सल्फर से, और अगर वो CF3 ग्रुप होगा तो बहुत मुश्किल से रिप्लेस होगा। इट मीन्स जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बढ़ाएंगे वैसे वैसे आप देखेंगे जो सल्फर का रिप्लेसमेंट है वो क्या होगा, टफ होता जाएगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि जो बीटा डाइकीटोन्स थे उनकी सेलेक्टिविटी को बढ़ाया, उनकी सॉल्युबिलिटी को बढ़ाया ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, और उनका एनहाइड्रस बिहेवियर बढ़ाया, और उनका जो पॉलीमेरिक नेचर था उसको कम किया गया जब थायो बीटा डाइकीटोन बनाए गए। तो ये जो थायो डेरिवेटिव्स हैं बीटा डाइकीटोन के, इनको हम क्या कहेंगे, थायो डेरिवेटिव्स ऑफ बीटा डाइकीटोन। तो बीटा डाइकीटोन के जो थायो डेरिवेटिव हैं सबसे पहले 1906 में बनाए गए, फ्रोमान एंड जियर्स ने बनाया ये कॉम्प्लेक्स सबसे पहले, और उन्होंने देखा कि डाइथाइल एसिटाइल एसीटोन और डाइथायो 3-methyl-2,4-pentadienone उन्होंने बनाया, और डाई थायो एसिटाइल एसीटोन जो है वो डाइमर की फॉर्म में रहता है वो उन्होंने देखा। और लेकिन ये जो कंपाउंड्स हैं ये थर्मली स्टेबल कंपाउंड्स थे, और उसके बाद ये फ्रेडगा एंड ब्रेनस्ट्रॉम ने 1949 में 9 कंपाउंड प्रिपेयर किए जो कि थायो डेरिवेटिव्स थे बीटा डाइकीटोन के। तो सबसे पहले जो सिंथेसाइज किए गए वो सिंथेसाइज किए गए
बीटा डाइकीटोन के थायो डेरिवेटिव जिन्हें थायो बीटा डाइकीटोन्स कहेंगे। और जनरली जो 1906 में जो प्रिपेयर किए गए थे वो बीटा डाइकीटोन्स के ऊपर H2S पास करके प्रिपेयर किए गए थे, जिससे कि डाइथायो एसिटाइल एसीटोन प्रिपेयर किया गया। तो ये जो डेरिवेटिव था, ये पहला डेरिवेटिव था जो कि बीटा डाइकीटोन से बनाया गया थायो डेरिवेटिव। और अगर आप देखेंगे जो डाइमर था डाइथायो एसिटाइल एसीटोन, वो इस तरीके से था कि ये देख सकते हैं आपकी सी डबल बॉन्ड ओ होता, सी डबल बॉन्ड ओ होता, सी एच थ्री सी एच टू सी एच थ्री, तो वो डाइकीटोन होता। वहां पर दोनों के दोनों जो ऑक्सीजन एटम है उनको सल्फर से रिप्लेस कर दिया गया। दूसरा ये जो मॉलिक्यूल है वहां पर भी दोनों सल्फर को से ऑक्सीजन को रिप्लेस किया गया। जो दूसरे जो नौ मैंने आपसे कहे कि कंपाउंड बनाए गए थे, उनमें से पांच कंपाउंड मैंने यहां पर दिए हुए हैं जो थायो कंपाउंड थे। देखिए यहां पर एक सल्फर एटम को रिप्लेस किया गया है, यहां पर अगर आप देखेंगे दोनों सल्फर को रिप्लेस किया गया है, ठीक है। और तो यहां पर आप डिफरेंट टाइप के जो थायो बीटा डाइकीटोनेट्स हैं उनको आप देखेंगे कि कहीं पर आप देखेंगे एक ऑक्सीजन सल्फर से रिप्लेस हुई है और कहीं पर दोनों सल्फर रिप्लेस हुई हैं। या फिर आप देख सकते हैं कि यहां पर जो दो हाइड्रोजन है वहां पर हम सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, या फिर आप देख सकते हैं कि जो सी एस थ्री ग्रुप है उसको सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है किसी दूसरे ग्रुप से। तो इस तरीके से डिफरेंट टाइप की जो थायो बीटा डाइकीटोनेट्स हैं उन लिगेंड्स को बनाया जा सकता है। फिर आप देखेंगे कि ये देखिए ये मैंने आपसे कहा कि या तो हमने एक ये इनोल फॉर्म आप देख सकते हैं, यहां पर एक एस जो है ओ से रिप्लेस हुई है, यहां पर दो बेंजीन रिंग सी एस थ्री की जगह पर रिप्लेस की गई हैं। और ये जो सिंपल जहां पर आप देखेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म है, जहां पर जो एक जो आप देखेंगे जो एक जो ओ है उसको एस से रिप्लेस किया गया है, बाकी बिल्कुल ये बीटा डाइकीटोन की तरह है। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म है जो कि थायोकीटोनेट्स की बनाई जाती है, थायोकीटोन की बनाई जाती है बाय रिप्लेसिंग ऑक्सीजन विद द सल्फर। और ये जो बीटा थायो बीटा डाइकीटोन है ये डिफरेंट मेटल्स के साथ मिलकर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं बाई कीलेशन। तो आप देखेंगे ये चेस्टन एंड लिविंगस्टोन ने प्रिपेयर किए थे दो मोनोमेरिक थायो बीटा डाइकीटोनेट, और उनके बाद उनके क्या बनाया निकिल कीलेट्स का फॉर्मेशन किया। तो आप देख सकते हैं ये डिफरेंट निकिल के कीलेट्स हैं, जहां पर ये दो लिगेंड जो मैंने आपको दिखाया था एसडीबीएम, देखिए थायो डाइबेंजोइल मीथेन, तो इसको हम एसडीबीएम कहते हैं, इसके साथ कॉम्प्लेक्स बनाया है। और ये जो है वो थायो एसिटाइल एसिटोन है, जिसके साथ आप देख सकते हैं कि निकिल का कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ। तो इस तरीके से इन्होंने चास्टन ने डिफरेंट टाइप के मेटल के कॉम्प्लेक्सेस बनाए विद थायो डाइफिनाइल डाइबेंजोइल मीथेन के साथ। तो ये खोजे गए सबसे पहले जो कंपाउंड्स थे जो कि थायो बीटा डाइकीटोनेट्स बनाए गए। फिर आप देखेंगे कि समय के साथ स्पिन फ्री MN3+ कॉम्प्लेक्स बनाया गया। देखिए MN का जो कॉम्प्लेक्स है वो Me3CCSCHCOCME3, देखिए ये जो लिगेंड है अगेन ये इस क्या है SAA थायो एसिटाइल एसिटोन लिगेंड है, और उसके साथ ये कॉम्प्लेक्स बनाया गया जहां पर ये CH3 को रिप्लेस किया गया CME3 से। तो ये MN के साथ कॉम्प्लेक्स बनाया गया। फिर V4+ का कॉम्प्लेक्स बनाया गया, आप देखेंगे ये सिंथेसाइज किया गया लिविंगस्टोन एंड कोवर्कर ने 1966 में, ये कॉम्प्लेक्स सिंथेसाइज किए, जहां पर आप देखेंगे कि ये जो कॉम्प्लेक्स है वेनेडियम का, यहां पर ये जो आप देखेंगे एक साइड से तो CF3 है जो सब्स्टिट्यूएंट है, ओके, और एक साइड C4H3 है। फिर कुछ सोलेबल सॉल्ट्स कंपाउंड बनाए गए कीलेट्स कोबाल्ट थर्ड के, और वो क्या थे आर सी एस सी एच ओ आर डैश, जहां पर आर जो है वो सी फोर एच थ्री एस था, एम ई हो सकता है, पी एच हो सकता है, और जो आर डैश है वो सी एफ थ्री हो सकता है, या दोनों के दोनों ग्रुप एक से हो सकते हैं, फिनाइल हो सकते हैं, मिथाइल हो सकते हैं। इस तरीके से आप देखेंगे इसके अलावा कोबाल्ट का कंपाउंड सिंथेसाइज किया गया, जहां पर आर और आर डैश दोनों ही एम या पी एच थे, और ये जो कॉम्प्लेक्स थे ये स्पिन पेयर्ड और डायमैग्नेटिक कंपाउंड बनाए गए। तो आप देखेंगे कि ये जो डिफरेंट टाइप के जो लिगेंड्स हैं उनको सिंथेसाइज करके फिर मेटल के साथ उनके मेटल थायो बीटा डाइकीटोनेट्स बनाए गए, और उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की भी स्टडी की गई
ऐसे ही आप देखेंगे कि सोलेबल डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स बनाए गए निकिल के किस लिगेंड के साथ, इस तरीके के लिगेंड्स के साथ, जहां पर आप देखेंगे कि ये जो R है इट मे बी मिथाइल फिनाइल C4H3S और R डैश मे बी मिथाइल फिनाइल OET और CF3 और CME3 ग्रुप, और दूसरा जो लिगेंड है वो RCSH डबल बॉन्ड CMECOR। तो ये अलग अलग तरीके के लिगेंड सिंथेसाइज किए, उनके साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म किए गए जो कि कीलेट कंपाउंड बने, ठीक है। और उनकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज थी उनको स्टडी किया गया। जो थायोबीटा डाइकीटोन कीलेट्स होते हैं दे आर लेस स्टेबल देन देयर बीटा डाइकीटोन डेरिवेटिव। तो अगर हम उनकी स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो जो थायो डेरिवेटिव है वो कम स्टेबल होंगे और जो बीटा डाइकीटोन डेरिवेटिव होते हैं वो अधिक स्टेबल होते हैं। अगर हम निकिल कीलेट की बात करेंगे तो ये जो है मोस्ट स्टेबल बीटा डाइकीटोनेट कॉम्प्लेक्स है। अगर हम कीलेट्स की बात करेंगे ना बच्चों, आपने देखे कि कई तरीके के किलेट्स बनाए, देखिए निकिल के बनाए, MN के बनाए, कोबाल्ट के बनाए, कॉपर के बनाए, जिंक के बनाए, लेड कोबाल्ट सब के बनाए, लेकिन इनमें से सबसे ज्यादा जो स्टेबल कॉम्प्लेक्स थे वो निकिल के थायोबीटा डाइकीटोनेट्स बनाए गए। वैसे जो बीटा डाइकीटोनेट्स होते हैं वो थायोबीटा डाइकीटोनेट्स दे आर अनस्टेबल, दे आर लेस स्टेबल एज कम्पेयर टू दी बीटा डाइकीटोन डेरिवेटिव, पर निकिल के जो थायो कॉम्प्लेक्स है वो स्टेबल कॉम्प्लेक्स बने। और जो निकिल कीलेट्स है उनकी रिएक्शंस भी देखी गई, वो पैरामैग्नेटिक एडक्ट बनाते हैं 1,10 फिनेथ्रोलिन एंड पायरिडीन के साथ। तो उनकी प्रॉपर्टीज भी देखी गई, उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, क्योंकि हमें ये जो कंपाउंड है वो कहां पर यूज करने हैं, सो दे कैन बी यूज जहां पर हमें मैग्नेटिक सब्सटेंसेस की जरूरत है डिफरेंट टाइप की। अगर हमें डायमैग्नेटिक चाहिए तो हम उस तरीके का कंपाउंड बना सकते हैं, अगर हमें पैरामैग्नेटिक चाहिए तो हम उस तरीके का कंपाउंड सिंथेसाइज कर सकते हैं। इसके अलावा आप देखिए रोडियम पैलेडियम एंड प्लेटिनम के कॉम्प्लेक्स भी सिंथेसाइज किए गए, जो कि कुछ इस तरीके के कॉम्प्लेक्स थे, जहां पर आप देख सकते हैं कि R जो है वो यहां पर हमने फिनाइल ग्रुप दिखाया हुआ है, तो R में भी फिनाइल मिथाइल और C4H3S ग्रुप, R डैश में भी CF3 ग्रुप, और ये दोनों ग्रुप बराबर भी हो सकते हैं। तो इस तरीके के डिफरेंट डेरिवेटिव्स बनाए गए रोडियम पैलेडियम एंड प्लेटिनम के। तो आप देख सकते हैं रेंज ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस बनाए गए थ्रू जो डेरिवेटिव्स थे थायो डेरिवेटिव्स ऑफ बीटा डाइकीटोन्स के थ्रू हम बनाए। ऐसे ही आप देखेंगे मोनोथायो बीटा डाइकीटोन्स के भी कॉम्प्लेक्स बनाए गए, मोनोवेलेंट एंड डाइवेलेंट कॉम्प्लेक्स कॉपर के भी सिंथेसाइज किए गए, और डाइवेलेंट मेटल कॉम्प्लेक्सेस कोबाल्ट के, निकिल के, पैलेडियम, प्लेटिनम, इनके कॉम्प्लेक्स देखिए ये मोनो थायो जो डेरिवेटिव है उसके हेल्प से ये कॉम्प्लेक्स सिंथेसाइज किए गए। सभी कॉम्प्लेक्स जो है वो पैरामैग्नेटिक थे, डायमैग्नेटिक थे, एक्सेप्ट कोबाल्ट। कोबाल्ट का जो कॉम्प्लेक्स था वो कैसा था, पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स सिंथेसाइज किया गया। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि जो बीटा थायो कीटोनेट्स थे, डाइकीटोनेट्स थे, वो उनका जो इम्पोर्टेंस है वो मेन इम्पोर्टेंस उनका कहां पर है, उनका इम्पोर्टेंस है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, उनकी जो मैग्नेटिक बिहेवियर है उनके अकॉर्डिंग उनको यूज किया जा सकता है। तो इसको अगर हम चैप्टर को इफ रिवाइज अगर हम इसको कंक्लूड करें कि हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा, क्या निकल के आया, तो आप ये देखेंगे कि जो बीटा डाइकीटोन होते हैं उनमें कुछ कमी देखी गई, उनकी सेलेक्टिविटी की कमी देखी गई, उनकी सॉल्युबिलिटी की कमी देखी गई, और उनकी जो सॉल्वेशन प्रॉपर्टी थी उसको कम करने के लिए उनके थायो डेरिवेटिव्स बनाए गए, जहां पर जो ऑक्सीजन है डाइकीटोन का उसको सल्फर से रिप्लेस किया गया, और जो रिप्लेस है उसका ऑर्डर यह है कि जो R ग्रुप अगर मिथाइल होगा तो रिप्लेसमेंट आसानी से होगा, अगर CF3 होगा तो रिप्लेसमेंट उतनी आसानी से नहीं होगा। और जो पहला कॉम्प्लेक्स है जो थायो कॉम्प्लेक्स 1906 में बनाया गया, और ये जो कॉम्प्लेक्स है इसको बनाने के लिए पहले डाइथायो एसिटाइल एसीटोन बनाया गया जो कि एक डाइमर की फॉर्म में रहता है, और उससे फिर मेटल की सॉल्ट की रिएक्शन करके फिर थायो कीटोनेट्स बनाए गए। इसके अलावा आप देखेंगे कि डिफरेंट टाइप के जो थायो डाइकीटोनेट्स हैं वो सिंथेसाइज किए गए, और उनको बनाने के बाद डिफरेंट कॉम्प्लेक्स बनाए गए। तो यहां पर जो कॉम्प्लेक्स कॉपर, जिंक, लेड, कोबाल्ट, निकिल के बनाए गए, इनमें से सबसे ज्यादा जो स्टेबल कॉम्प्लेक्स थे वो निकिल के कॉम्प्लेक्स बने। इसके अलावा आप
देखेंगे MN3 के कॉम्प्लेक्स बनाए गए, V4 के कॉम्प्लेक्स बनाए गए, Cobalt-3 के कॉम्प्लेक्स बनाए गए। तो डिफरेंट टाइप के कॉम्प्लेक्सेस में सबसे ज्यादा जो स्टेबल कॉम्प्लेक्स थे वो निकिल के कॉम्प्लेक्स थे, रोडियम, पैलेडियम, प्लेटिनम के कॉम्प्लेक्स बनाए गए। और यहां पर आप देखेंगे जो लिगेंड है वो डिफरेंट टाइप के बनाए गए, डिफरेंट टाइप के लिगेंड्स को मैं जो सब्स्टिट्यूएंट है उनको रिप्लेस किया गया और डिफरेंट प्रॉपर्टी के लिगेंड्स का सिंथेसिस किया गया। और इसी तरीके से आप देखेंगे कोबाल्ट, निकिल, पैलेडियम, प्लेटिनम के कॉम्प्लेक्स बनाए गए, जहां पर आप देखेंगे कि ये जो मोनोथायो कॉम्प्लेक्स था, मोनोथायो बीटा डाइकेटोनेट था, उसने रिएक्शन की और यहां पर जो कॉम्प्लेक्स बनते हैं वो डायमैग्नेटिक होते हैं, केवल कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स ऐसा होता है जो कि पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द मेटल थायो बीटा डाइकेटोनेट कॉम्प्लेक्सेस और कीटोनेट्स। सो थैंक यू वेरी मच।